हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विच इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th. इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑफकोर्स INE से भी. क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं. चैप्टर ईजी है अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है बहुत ईजी है. हमको पता है कि वैसे भी 12th क्लास में फिजिक्स के बहुत कम चैप्टर है, ठीक है. तो अगर हम इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो अल्टीमेटली हम 12th की फिजिकल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. पहले इसका मतलब समझते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एग्जैक्टली क्या है. दो टाइप की एनर्जी से डील करेंगे हम यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. वैसे भी हमको पता है केमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी से डील करते हैं. अच्छा, हमको ऑलरेडी पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, या इलेक्ट्रिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा यूज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं जिसमें हम एनर्जी का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेंगे और केमिकल रिएक्शन को करवाएंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखेंगे, एंड वाइस वर्सा केमिकल एनर्जी का भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखेंगे. और उसी के थ्रू हम कुछ ऐसे सेल्स पढ़ेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि हमारे रिमोट में जो सेल यूज होता है, या फिर हमारा जो बैटरीज में सेल यूज होते हैं, बैटरीज होती है कार की, बैटरीज होती है, वो सारे किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जिनकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, वो वाला पार्ट हम इस चैप्टर में कम्प्लीट करने वाले हैं. तो हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक मतलब हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, तो हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, दो टाइप की एनर्जी की बात करी है हमने. अब हम क्या कह रहे हैं कि हम इनका इंटर कन्वर्जन देखेंगे. केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करेंगे. ये बेसिक आप समझ के चलिए कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है. हम इसकी एक डेफिनेशन भी लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो आपको और हेल्प करेगी समझने के लिए. इट इज द ब्रांच ऑफ science which deals with the electricity production by using energy released during spontaneous chemical reaction and the use of energy to bring about non-spontaneous chemical reactions. यहां से आपको इस चैप्टर का पूरा मतलब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे बाय यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. और वो जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उनसे जो एनर्जी रिलीज होगी उसका हम यूज करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को फंक्शन करवाने के लिए. स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होती है,
स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस जो अपने आप हो जाती है, नाम से समझ में आ रहा है स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है तो बहुत क्विकली हो जाती है. जस्ट लाइक अगर डेली लाइफ एग्जाम्पल लें तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, अगर हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो हम सिर्फ कोई पर्टिकुलर इग्निशियस फ्यूल यूज करते हैं, वो अपने आप बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. जस्ट लाइक एलपीजी या फिर हम पेट्रोल को ले लें, अपने आप जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, बहुत क्विक भी होती है. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसके जस्ट उल्टा अपोजिट ले लेते हैं. ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती, आपको हीट देना है टेम्परेचर के फॉर्म में या किसी और प्रेशर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, तो हम उसे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी मिलने के बाद भी बहुत स्लो होती है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, एक बहुत स्लो प्रोसेस है. तो इस टाइप के डेली लाइफ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. तो हम क्या करेंगे ये क्लियर होना चाहिए. स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस क्योंकि जल्दी हो जाती है एंड दे रिलीज एनर्जी आल्सो, तो हम उसकी एनर्जी का यूज करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. बहुत सिंपल यूज है, यही पढ़ना है हमें इस पूरी चैप्टर में, तो आपको ये जरूर क्लियर होना चाहिए. राइट डाउन द डेफिनेशन एंड ट्राई टू लर्न इट, तो आपको चैप्टर का मतलब तो पता ही होना चाहिए ना आगे पढ़ने से पहले. ओके नेक्स्ट, अब हम ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये जनरली कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिनको डेली लाइफ से बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं, हमको पता भी होगा. हमने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा है फिजिकल का लास्ट चैप्टर, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. यस, तो ये जो रिएक्शंस हैं रेडॉक्स रिएक्शन है. हमारी लाइफ में हर एक सेकेंड बहुत सारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो अभी तक आपको आई थिंक याद भी होगा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, यस इट इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. अगर हम दो रिएक्शंस को याद रखें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन के लिए. एक प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक. एक में एनर्जी हमें चाहिए होती है, किसमें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने बहुत बार पढ़ी है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं ये प्रोवाइड करते हैं और प्रोसेस कंप्लीट होती है. अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो वो इसका जस्ट अपोजिट होती है एक्सोथर्मिक. हीट क्या होती है रिलीज होती है. तो इसी तरीके से रेडॉक्स रिएक्शंस बेसिस है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का. जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सारी रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी. इससे क्या समझ में आता है हमें कि 11 का रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स यहां पर यूज होने वाले. तो बेसिकली मैं बहुत जल्दी से आपको थोड़ा सा एक क्विक रिविजन देती हूँ रेडॉक्स रिएक्शन का, उसमें जो भी डेफिनेशंस है या कुछ ऐसे टर्म्स है जो हमें इस चैप्टर में आगे यूज होने वाले हम वो स्टार्ट कर रहे हैं. तो रेडॉक्स रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं. रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है पता है ना? यस, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन. रिडक्शन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. इनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बाय सम डिफरेंशियल पॉइंट्स. पॉइंट नंबर वन बहुत बेसिक है, हमने पढ़ा है बहुत बार, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ यस हाइड्रोजन इज रिडक्शन. पॉइंट नंबर टू Removal of क्या होगा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हियर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ये बहुत बेसिक है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये याद ना हो तो चलेगा, बस आपको ऑलरेडी याद है. थर्ड वन इज अ बिट इम्पॉर्टेंट जो हमको याद भी रखनी है, आगे इस चैप्टर में यूज होगी, which is loss of electrons.
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. अगर कोई भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस कर रहा है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेके चलते हैं. से एक एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है. अब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो. जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो ए से क्या बन गया, ए प्लस. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया. यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या है, रिडक्शन. इसमें क्या होगा, इसका उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अगर हम इसी एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो उसे समझते हैं. ऑफकोर्स से बी एक एलिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ओके. तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, आफ्टर गेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन लिया है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे रिएक्शंस को आगे धीरे धीरे. आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस चैप्टर में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड, सॉरी इज कॉल्ड रिडक्शन. तो ये कुछ दो पॉइंट्स हैं, शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है हमको ये याद होना चाहिए. हमें इन्हीं से खेलना है, ऑफकोर्स पढ़ा ही हमने 11th क्लास में, तो हमें यही आगे बहुत बार यूज करने को मिलेगा. क्लियर है, राइट इट डाउन. तो ये तो हमें समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया है बेसिक कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे और बहुत एडवांस लेवल पर जाकर करेंगे. हम इनकी बैलेंसिंग भी करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन इतना सीखेंगे, आगे आगे धीरे धीरे आगे जाएगा. सो फार हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में यूज होने वाली है हम उसी पर डील कर रहे हैं अभी इस वीडियो में. नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखेंगे इस चैप्टर में, तो उसी से एक रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है कंडक्शन, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्विक. कंडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, दो इम्पोर्टेंट टर्म्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. क्लियर है सबको, कंडक्टर्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. इन इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. ये तो हमको क्लियर है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए. अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स. अभी तक हमने टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स नहीं पढ़े, एस तो हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स से स्टार्ट कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, इनको भी डिफरेंस में देख लेते हैं. ये हम सिर्फ माहौल बना रहे हैं, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमें बाद में ऐसा ना हो कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं और ऐसे टर्म्स आए जो हमसे क्लियर ही नहीं है, तो हम वो वाला पार्ट अभी बता रहे हैं. टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स तो दो टाइप के होते हैं, ऑफकोर्स एक होता है मेटलिक कंडक्टर्स, मेटलिक कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. दीज आर द न्यू वन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. ठीक है, इनका डिफरेंस देख लेते हैं हम. मेटलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस और द कंडक्टर्स थ्रू विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. द सब्सटेंसेस थ्रू विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस. यहां
number, point number kya hoga? The substances, substances through which flow of ions take place. Very important. जो डिफरेंस है वो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं. क्या है? फ्लो. सॉरी, फ्लो. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है किसी सब्सटेंस में तो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं. सॉरी, फ्लो ऑफ आयंस अगर हो रहा है किसी भी सब्सटेंस के थ्रू तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होंगे. ओके, अब पॉइंट नंबर टू, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. मेटेलिक कंडक्टर्स, सारे मेटल्स और उनके अलॉय जो होंगे वो सब इस कैटेगरी में आएंगे. हमको पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो बेसिकली हम जनरली जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उनको मेटेलिक कंडक्टर्स हमने एक टर्म दी. ओके, यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है? फ्लो ऑफ आयंस. सो दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स. एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम, इसमें पॉइंट ना भी देते चलेगा. देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स पता होगा? नहीं पता, लिख लीजिए. सॉल्ट, एसिड और बेसिस. सारे सॉल्ट, एसिड और बेसिस किस तरीके से वर्क करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के तरीके से वर्क करते हैं. हम इनका बहुत यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोलाइट्स का. ठीक है, बहुत तरीके से यूज होगा. तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फ्लो ऑफ आयंस. पॉइंट नंबर टू, इसे पॉइंट हटा देते हैं. एग्जाम्पल में हमें पॉइंट नहीं लिखना चाहिए. कभी आप डिफरेंस लिख भी रहे हैं तो ये पॉइंट याद रखिए. पॉइंट नंबर टू, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर. जब मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं किसी भी रॉड में, तो वहां पर उस रॉड पर कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज दिखता है क्या हमको? कि हमने देखा कि ये रॉड है, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हुए. यही है मेटेलिक कंडक्शन की प्रोसेस. मेटेलिक कंडक्टर्स हम इसी को बोलेंगे. जस्ट इमेजिन की मेटल रॉड है, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो कोई और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है रॉड की? नहीं हो रही है. तो ये पॉइंट हमको याद रखना. यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो केमिकली डीकम्पोज हो जाते हैं. डीकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होना, आगे हम देखेंगे. ऑफकोर्स थर्ड पॉइंट ऊपर लिख देती हूँ. पॉइंट नंबर थ्री, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्शन या द प्रोसेस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स डिक्रीजेस. विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीजेस. यहां पर होगा With increase in temperature, electrolytic conduction increases. यहां पर कैसे होगा समझो? क्यों टेम्परेचर इंक्रीज होने से मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज हो रहा है? अगेन हम फिर से मानते हैं कि एक रॉड है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हुआ है. जब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो रहे हैं, हमने क्या किया? नीचे से इसे टेम्परेचर देना स्टार्ट किया. हमने हीट बढ़ा दी है. हीट बढ़ाने से क्या होगा?
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं, रेंडम मोशन स्टार्ट करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जनरली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनके लिए क्या हो गया, ये हैम्पर वाली प्रोसेस हो गई, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो स्लोली फ्लो होना शुरू करेंगे एंड एज अ रिजल्ट जो मेटेलिक कंडक्शन की प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। वेयर इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीजेस। अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट्स को और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो आयंस का डीकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है, ब्रेक डाउन की प्रोसेस, वो स्पीड हो जाएगी, और स्पीड होने से क्या होगा, ये प्रोसेस भी इंक्रीज होगी। तो पॉइंट नंबर 3 क्लियर है सबको, इन तीनों पॉइंट बहुत इजी डिफरेंसेस हैं मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अच्छा एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पर, पॉइंट या फिर नेम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन केस ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रॉन हमने पॉइंट नंबर 1 हटा दिया है, इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स हमने डेफिनेशन क्या लिखी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे एक और नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इजी है। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं या फिर हम इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लो हो रहे हैं इसलिए जनरली हम इनको इलेक्ट्रोलाइट्स ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो हमने नाम लिखा है। एक और चीज यहाँ पर क्या था, फ्लो ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज व्हाट, फ्लो ऑफ आयंस, तो इसको आयनिक कंडक्शन भी बोल सकते हैं, और आयनिक कंडक्शन, ठीक है। तो नेम से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, आयनिक कंडक्शन क्या है, फ्लो ऑफ आयंस, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी इजी। अब हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर एग्जांपल में, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के केस में इलेक्ट्रोलाइट्स की। मेटल्स एंड अलॉयज तो हमको पता ही है, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऑफकोर्स टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर देयर, टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं स्ट्रॉन्ग, दोस इलेक्ट्रोलाइट्स विच ऑलमोस्ट डिसोसिएट, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट into ions in solution, which completely dissociate into ions। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हम उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल देखा था डिफरेंसेस में, तो हमने क्या देखा था, सॉल्ट एसिड एंड बेसिस। सो हम सॉल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं NaCl, नेक्स्ट हम ले सकते हैं HCl, और क्या हो सकता है स्ट्रॉन्ग में NaOH, एक एग्जांपल हमने सबका ले लिया। तो ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, इसका मतलब भी क्लियर कर लेते हैं अभी। अगर हम NaCl को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, तो ये Na प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। क्या मतलब है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने NaCl का 1 मोल लिया, तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं 9
39% of one mole पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? Dissociate हो जाएगा. यहाँ पर मैंने 1% क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम generally क्या बोलते हैं, कोई भी chemical reaction perfect नहीं होती. अगर मैं 100% बोल दूँ तो फिर कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये completely नहीं होता, कुछ तो रह ही जाएगा. ऐसा नहीं कि आपने जितना भी लिया है, जितने भी मोल लिए हैं सोल्यूशन के, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो सकते, कुछ बहुत माइन्यूट मोल्स रह जाएंगे. इसलिए ये एक छोटा सा पॉइंट इसको याद रखना. डिसोसिएशन समझ में आ गया, ब्रेक डाउन बेसिकली. पॉइंट नंबर टू, दैट इज ऑफकोर्स इसका अपोजिट क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिनेशन इजी हो जाएगी. दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली. दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली. एग्जाम्पल देख लेते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल ऐसे तरीका से CH3 COOH और क्या हो सकता है, HCN लिख सकते हैं. और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. या फिर हम बोल सकते हैं वीक सॉल्ट्स, वीक एसिड्स, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं. कंप्लीटली डिसोसिएट ना होने का मतलब है CH3 COOH को जब हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कर रहे हैं या आयनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आयनाइज होगा किसमें? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए CH3CO नेगेटिव है और साथ में क्या देगा, H+ आयंस. ये जो आयन हमने यहाँ पर साइन लगाया है, ये किसका है? इक्विलिब्रियम का. इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब वो आयनाइज होते हैं तो उनके बीच में किसमें, अनआयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स और आयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है. इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश का मतलब क्या है, अगर वन मोल या एक मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH कहाँ जाएगा, रिएक्टेंट साइड सॉरी प्रोडक्ट साइड में जाएगा, तो उतने ही मॉलिक्यूल यहाँ से ऐड होकर कहाँ पर आएंगे, रिएक्टेंट साइड में आना स्टार्ट करेंगे, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे. तो एक प्रोसेस, एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की रिएक्शन हो रही है वो किसमें आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन करेगी. ये डिफरेंसेस हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में. अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग तो हम बोल रहे हैं कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो कुछ हमें एज सच नहीं मिलना है रिएक्टेंट साइड में. लेकिन वीक का क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जितना भी सोल्यूशन लिया है उसमें से कितना डिसोसिएट हो गया या कितना रह गया? तो उसके लिए एक बहुत ईजी फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा भी है अपने 11th क्लास में, जिसको हम क्या बोलते हैं, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. से हम पता कर सकते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना डिसोसिएट हुए. फॉर्मूला है, याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में बीच में यूज हो जाता है. तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नंबर 1 बोल सकते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें. क्या लिख रहे हैं हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 11 इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है, अल्फा से, ठीक है, विच इज व्हाट, आयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. तो ये एक चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम हमेशा और हमेशा किसके लिए निकालेंगे, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स,
ठीक है. स्ट्रॉन्ग तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो ही रहा है, हमें चेक किसमें करने की जरूरत पड़ेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, विच इज डिनोटेड बाय अल्फा. क्या होता है वो, हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए. एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, वैसे तो बहुत ईजी है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम स्टैंडर्ड ले रहे, ए और बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर हमने क्या लिया, ए का ले लो 10 मोल्स, 10 मोल अगर हम लिए, एक सॉल्यूशन एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसे डिसोसिएट किया, ए बी ले लेते हैं. ए बी को हमने एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है जिसे हमने डिसोसिएट किया, तो डिसोसिएशन के बाद ये प्लस और माइनस में ब्रेक डाउन हो गया होगा. इमेजिन कि हमने 10 मोल लिए हैं, तो सिर्फ 5 मोल ही डिसोसिएट हुए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. तो अगर हमें इसे डिग्री, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो हम फॉर्मूले में रख देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कितने लिए थे इलेक्ट्रोलाइट्स के, 10, कितने डिसोसिएट हो गए, 5, कितना आ गया, 0.5 मोल्स. तो टोटल इस तरीके से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत ईजी है. ठीक है, एक और पॉइंट है, अल्फा की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अल्फा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, इसके लिए हमेशा लेस देन 1, ये आपको याद रखना है. अल्फा की वैल्यू विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन हैज वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 या 1 भी हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज ऑलवेज लेस देन 1. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ भी आए होंगे कंसेप्ट. फिर भी आप क्या करिए, मेरी एडवाइस है बार बार ये वीडियो को देखिए, राइट डाउन द टॉपिक्स, प्रैक्टिस कर लिए, रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से करना है तो अच्छे से रिवाइज करिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए. स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कमेंट अस, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन for further notification. Thank you.